बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे तमाम वेखन वालों नूं, सुनन वालों नूं बहुत ज़्यादा मेरे वालों मैं सब वास्ते दुआ करना। मेरे तमाम जिहड़े भी वेंदे ने पे सुनदे ने पे, अल्लाह पाक हर एक नूं सारिआं नूं हिफ्ज़ो अमान च रखे और अल्लाह पाक आप सब की तमाम परेशानियां, मुसीबतां, सख्तियां, आफतां, बलावान को अल्लाह पाक आप सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा एहसान है। तो सुबह सुबह का टाइम है, सैरी का वक्त है, तो इंशाल्लाह सैरी करके मैं कह चलो मैं अपने दोस्तों नूं वास्ते सब सारे वास्ते एक दुआ करने हैं और अल्लाह पाक साड़ी इस दुआ नूं कबूलियत दा शरफ अता फरमाए। क्योंकि मेरा मकसद एक दुआ करना हुंदा है और दुआ करना अल्लाह पाक बहुत बड़ा गफूर रहीम है, अपना रहम करम फजल फरमा देंदे ने। और दुआ सारे वास्ते करनी चाहिए है, क्योंकि दुआ जड़ा एक बंदे दा ते रब दा एक मंगन दा वसीला हुंदा है। और अल्लाह पाक साड़ी इस कोशिश नूं, मेरी इस आरजू नूं अल्लाह पाक तुहाडे सारिआं वास्ते, हर एक वास्ते, पूरी दुनिया वास्ते बेहतर और खैर करे। आमीन सुम आमीन। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है और आप लोग भी मेरी इस दुआ दे नाल आमीन कह के इहदा इक हिस्सा बन जाओ। और किसी दी आमीन कहन नाल मेरी इस आरजू नूं, मेरी इस कोशिश नूं काबले कबूल हो जाए और अल्लाह पाक की नज़र च कबूलीयत दा शर्फ हासिल कर लवे। तो यही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो मेहरबानी करके मेरी इस वीडियो नूं जरूर एंड तक आखिर तक वेख्या जे। तो अलहमदुल्ला अल्लाह पाक का शुक्र है, रमज़ान उल मुबारक का महीना चलन डया। अलहमदुल्ला ये अल्लाह पाक का बरकत वाला महीना, रहमत वाला महीना जड़ा है, अल्लाह का बहुत ज़्यादा एहसान है सानू जिंदगी मिले है। और असी ज़्यादा तो ज़्यादा अपने गुनाहों की माफ़ी मंगी अल्लाह पाक को और अल्लाह पाक अपना रहम करम और फजल फरमाए। आमीन सुम आमीन। और ये ही और मिल के एक होर दुआ करने हैं कि इस टाइम अल्लाह पाक जो लोग बेरिजक ने, अल्लाह पाक अपने रहमत करम के खजान उन्होंने रिजक तो नवाजे। और जो लोग इस टाइम बे औलाद ने अल्लाह पाक उन्होंने नेक साले औलाद देवे। जिन्हों को बेटियां ने अल्लाह पाक उन्होंने बेटे वाले भी नेमत नवाजे। आमीन सुम आमीन। और जो लोग परेशान हाल ने, चारे मरीज ने, जो भी किसी हालत भी ने, अल्लाह पाक हर एक दिया परेशानियां दूर करे। आमीन सुम आमीन। और एक खसूसी दुआ करने हैं क्योंकि इस टाइम जो लोग जुल्म की चक्की च पीसते हैं पे, अल्लाह पाक उन्होंने अपना फजल करम फरमाए और उन्होंने फतह और नुसरत अता फरमाए और उन्होंने माल जान औलाद उन्होंने इज्जत दियाँ अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए और जालमां का हथ रोक लवे और मजलूमां ते अल्लाह पाक अपना फजल करम फरमाए। आमीन सुम आमीन। बस खसूसी दुआ जी उन्होंने वास्ते करनी चाहिए। तो अलहमदुल्ला रमज़ान मुबारक दे दूसरा अशरा भी तकरीबन अज 19 रमज़ान मुबारक है, एक दिन तो बाद इंशाल्लाह तीसरा अशरा फिर शुरू हो जाएगा और पहले दो अशरे जड़े ने ख़त्म हो जाएंगे। बस ये निज़ाम कुदरत, कल असा रमज़ान आंदा वेख्या लेकिन अज 19 दिन गुजार गया है। अज का तरीक 19 रमज़ान मुबारक का दिन जड़ा है, रमज़ान मुबारक के बहुत ज़्यादा जोड़े वाकियात होए ने इस्लाम के और बहुत ज़्यादा उलमा इकराम भी दसते हैं कि बहुत ज़्यादा वाक्य जोड़े ने अल्लाह पाक ने रमज़ान मुबारक के किए ने। सब तो पहला रमज़ान मुबारक जंगे बदर हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सहाबा इकराम बिल्कुल थोड़े सी लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें थोड़िया भी काफर कफार ते गलबा अता फरमाया और आपनू अल्लाह पाक ने फतह और नुसरत अता फरमाई।
ਇਹ ਬੜੇ ਬਰਕਤ ਔਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਦਰ ਦਾ ਮਕਾਮ ਆਪਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸਤੋ ਨਬੂਤ ਕਰਤਾ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਵਾਸਲ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 19 ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਲ ਮੁਬਾਰਕ ਅਤੇ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਚੌਥਾ ਏ ਖਲੀਫਾ ਚਹਾਰਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਵਜੁਲ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗੀ ਔਰ ਆਪ ਦੀ 21 ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ 19 ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਸੁਬਹਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਜਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਛੁਪ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਦੀ ਪਿਸ਼ਾਨੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਆਪ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਔਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਵਜਹੁਲ ਕਰੀਮ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਕੁ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਫਰ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵਾਸਤਾਂ ਫਰਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਮ ਔਰ ਫਜ਼ਲ ਫਰਮਾਏ। ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀਰ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਬੈੱਲ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਤਲੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।